नमस्कार। मैं श्रीमती योगिता चंद्राकर, सदस्य जिला पंचायत दुर्ग व सभापति कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत दुर्ग। मैं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र क्रमांक 8 की सदस्य हूँ व ग्राम रिसामा की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 विधेयक बिल पारित की हैं किसानों के हित के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता यह किसान के हित के लिए है। यह तो उद्योगपतियों के उद्योगपतियों व पूंजीपतियों को के खजाने भरने के लिए है। हमारे देश में जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो इस देश के जो कृषि करने वाले हैं उनको आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होगी ही, साथ में जो मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, जो सोसाइटी और सोसाइटी में काम करते हैं, ऐसे मजदूर जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह किसान भाइयों को बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब होने की संभावना है, परेशानी होने की संभावना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसा बिल पारित करें जिससे हमारे किसान भाइयों को सुविधा मिले, आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाए। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी हमारे किसान भाइयों के हित के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, ऐसा काम किए हैं जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को बहुत ही किसानी करने में सुविधा प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि इस बिल को हटाया जाए और ऐसा बिल लाया जाए जिससे किसान भाइयों के हित में हो। धन्यवाद।